अबे समझो तुम लड़की, तुमको क्या कहना चाह रही है? ऐसे आके ऐसे ऐसे कर रहा है बंदा। लड़की पूरी तरह से चाह रही है उसको जगाने के लिए, उसको अदाएं दिखा रही है बंदे को, लेकिन वो बंदा, मेरे को करना क्या है, ये क्या कर रही है, इसको क्या हो गया, इसको मिर्गी पड़ा है क्या? लड़की हेलीकॉप्टर भी बन रही है, लेकिन फिर भी इस बंदे के अंदर कुछ भी ऐसी इच्छाएं जागृत नहीं हो रही है जो इसको करना चाहिए। अभी कर ले मेरे भाई, कर ले, हमको भी मजा आ जाएगा। हरामी हो। तो आज हम रोस्ट करेंगे भोजपुरी गाने को। अरे रोस्ट क्या कर रहा है, इसको तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये गाना थोड़ी ना ये तो टट्टी है। छोटा की जो हजिया। अरे रुको 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 भाई, ये कौन सा डांस कर रहे हो तुम? डांस कर रहे हो ना? नहीं, ये क्या था ये? तुम लड़की को, अरे हेलीकॉप्टर बनी है वहां तक ठीक है, तुम लड़की को घोड़ी बना रहे हो। मैं क्या करूं भाई, मेरा जवान पे कंट्रोल नहीं रहता। अरे यार ऐसे कर रहे, देखो ऐसे कर रहे, अभी इसको देख के क्या लगेगा, घोड़ा घोड़ी खेल रहे, यही बोलूंगा मैं तो। अब आप गलत मत समझना ठीक है, मेरे को पता है आप लोग बहुत आगे निकल जाते हो, थोड़ा अंदर तू समझा। लड़की पूरा एकदम जोश के साथ नाच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन पवन भैया घंटा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू कितना ही कर ले, मेरी आज इच्छाएं सोई हुई है, मैंने हकीम की दवाई नहीं खाई है। लड़की पूरी कोशिश में लगी है, लेकिन क्या करे ये बंदा। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो हर भाईल भी देख कुछ ढीला। ये कौन सा ब्रेक ढीला कर रहे हो पवन भैया आप? अगर ब्रेक ढीला भी है तो उसको मैकेनिक के पास लेके जाओ, लेकिन इस तरीके से आप जो कमर को दोनों एक साथ मटका रहे हो, आपके इरादे कुछ और लग रहे हैं, लेकिन क्या करे, हम इधर पे अबोध बालक है, ज्यादा बोलेंगे तो लोग गालियां देते हैं और कुछ नहीं है। जो है फाटा फटिया है। बस बस बस, ये इतना नहीं दिखा सकते यार, यहाँ पे अपनी कोई सीमाएं है, बच्चे देख रहे, बस बंद कर। मैं कह रहा हूँ भाई, ये भोजपुरी गानों को जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे टिकटॉक बैन कर दिया, इसको भी बैन कर दो भाई, वरना है ना लेने के देने पड़ जाएंगे बाद में। अपन से मत कहना, मैं सिर्फ रोस्ट करूंगा आपको, आपको लग रहा होगा कि मैं जाके इनको कहूंगा बंद कर लो, घंटा ये बंद कर लेंगे तो मैं कमाऊंगा कैसे? शक्तिमान शक्तिमान। बस यही देखना बाकी रह गया था ना भोजपुरी में। हम वतन जान शक्तिमान बन के। अरे भोजपुरी वालों, ये क्या कर रहे हो? तुमने गाना बनाने की सोची थी, तुमको कोई टॉपिक नहीं मिला, तुम शक्तिमान की माँ बहन करने पहुंच गए। अरे कुछ भी, मुकेश खन्ना उधर से तुम्हारे ना बुंडे में बम्बू कर देगा, मैं कह रहा हूँ भाई शक्तिमान। और इन्होंने ग्राफिक्स भी कर दिया इसके अंदर, ये क्या उड़ के किल्विस को मारने के लिए जा रहा है क्या? वाह शक्तिमान क्या बात है, लेकिन मेरे भाई जब तू शक्तिमान बन रहा था थोड़ी इज्जत रख लेता शक्तिमान की, ये क्या छोटा छोटा कपड़ा पहन के आ गया? अरे शक्तिमान का मतलब तेरे को पता है क्या? तेरे को पता है शक्तिमान का मतलब? हमसे पूछ, जिन्होंने घर में मार खाई है शक्तिमान देखने के लिए। नदी पहाड़ नालों में से उड़ उड़ के जा रहा है ये बंदा, बहुत बढ़िया, जा भाई जा, और जल्दी से किल्विस को खत्म करके आ जाना, क्योंकि किल्विस ने बोला था जब तक दुनिया में अंधेरा रहेगा मैं रहूंगा। किल्विस नहीं मरे ना तो कम से कम तू मर जाना भाई, क्योंकि तेरे को देख के तो बस एक ही फीलिंग आ रही है अंदर से, ये क्या है? गाना भी ना छोड़ दो, लड़की को देख के ऐसा लग रहा सिलेंडर को रुमाल से पैक करने की कोशिश की गई है। भाई वाह, भोजपुरी इंडस्ट्री इसी पे तो चल रही है, इसी पे। साला गाना नहीं बनाएंगे हम, ऐसे करेंगे ऐसे। गाने में कोई मतलब नहीं है, तुम डांस कर लो कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक ये नहीं दिखाओगे ना गाने का कोई मतलब नहीं है। अरे भोजपुरी के प्रभु देवा रुक जा भाई, रुक जा, इतना भयंकर डांस मत कर, उधर साउथ में बैठे बैठे असली वाले प्रभु देवा तेरे को देख के शर्मा रहे। जिस क्वालिटी के साथ ये लोग गाना बना रहे हैं, इससे अच्छी क्वालिटी पे तो इंस्टाग्राम पे रील बन जाते हैं आजकल। भाई तुम क्या कर रहे हो भोजपुरी वालों, पैसा नहीं है? अरे हे केसरी, तुम तो गाने में ऐसे ऐसे इतना दिखा रहे हो, इतना दिखाने पे तो खूब पैसा आता है, इतना दिखाने पे सोफिया अंसारी वायरल हो चुके, तुमको पता क्या अभी? हाँ तुम इस चीज को पकड़ के रखो, तुम भोजपुरी गाने में इस चीज का बहुत भयंकर वाला महत्व है। अच्छा आगे जो नाच रहा है उसको तो भूल जाओ तुम, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, लेकिन जो पीछे लोंडे नाच रहे हैं, मेरे भाई तुम कितने रुपए में आए हो? खुद के कपड़े पहन के आ गए, बेचारे लोग क्या करें, डायरेक्टर ने कपड़े नहीं दिए इनको। अरे उसको कोई समझाओ, उसको डांस नहीं आ रहा, वो भूल गई है बीच बीच में ऐसे देख रही है। ए डायरेक्टर साहब, कोरियोग्राफर को लेके आओ, उसको बोलो, उसको समझाएगा, एक तो काले काले भूत तुम रख देते हो गाने में, सारा गाने को इंटरेस्टिंग बनाना होता, डरावना बनाना नहीं होता।
ये हुई कोई बात, भोजपुरी वाले हमेशा कुछ अलग करते हैं। साला ड्रेस के नाम पे हीरो चड्डा पहन के आ गया। क्या पूरा फिल्म का बजट खत्म हो गया क्या तुम्हारे पास, या तुमने कुछ नया सोचा है? और ये बंदा चड्डे पे रेड चिप का जूता पहन के आया ना, मेरे भाई सच बता रहा हूँ इसी जूते से पिटाई करने लायक हो तुम लोग। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि भोजपुरी में तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा नाम है। बस बस इसी पे तुम्हारा ध्यान है, मेरे को लग ही रहा है भोजपुरी वालों तुम है ना। रुको, ऐसे इसी पे ध्यान है कि तुम्हारा। इसके अलावा भी भाई दुनिया में चीजें होती है, डांस में ऐसा स्टेप करो तुम, लेकिन तुम तो बस इस पे फोकस करो ऐसे करके। गजब तू भी बाजा दे। भाई गाने के बोल तुमको साफ समझ में आ रहे होंगे, मैं समझा दूंगा तो मेरे को गाली पड़ जाएगी और कुछ नहीं है। डांस करने के लिए गाड़ी की छत पे चला गया, चार गाड़ी पीछे खड़ी करवा ली, इतनी सारी भीड़ खड़ी करवा ली, लेकिन हीरो के लिए तुम्हारे पास कपड़े नहीं हो रहे थे डायरेक्टर साहब। नहीं पूरी गली भी हीरो के कपड़े में तुमसे निकलेगी। चड्डे पे रेड चिप का जूता पहना दिया, अरे कोट पेंट सूट कुछ तो पहना देते, सलवार सूट कुछ नहीं था साड़ी पहना देते। वो सब छोड़ दो, तुम पीछे जगह का नाम देखो, छेदा मोड़। अरे भाई ऐसा कौन सा मोड़ होता बिहार, बिहार में होता है क्या? ऐसे करके ऐसे 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 किया जा रहा है, ये क्या है? ये तुम्हारा टारगेट है कि तुमको इसके बाहर नहीं जाना है, भोजपुरी दुनिया इसी के अंदर बसती है और तुमको ऐसे करके जाम कर देना है। अरे डांस में भाई कमर का प्रयोग करो, डांस में तुमको मेरे बेली डांस होता है, हिप हॉप डांस होता है, लेकिन तुम्हारा डांस होता डांस है, ये डांस है ये? बंद करो ये आवाज का नंगा नाच। जिस हिसाब से गिटार पकड़ के बजा रहा भाई, पीछे वाले पूरे शॉक हो गए। ये बंदा गिटार बजा रहा है, इससे बज भी रहा है, उससे बड़ी बात इसमें तो धुन भी निकल रहा है। इसकी बहन का टन टनाटन टन टन मारू, ये भी गिटार बजा रही है। नहीं तुम सब गिटार चैंपियन हो, तुम सबको गिटार बजाना आता, एक बार मैंने गिटार पकड़ा ऐसी आवाज इसमें, और इसको एक बार में गिटार बजाना आ गया। सीखा है कहीं पे जाके? तुमको डांस तो ढंग से आता नहीं है, गिटार के घंटा सीखोगे तुम? बात तो सही है। नाचा ही सो नाचा नी, ए तू रो मत, तू बहुत गंदी लग रही है तो करके नाचा ही सो नाचा नी आई रमतिया हमरा के चाही बस तोहरी सुरतिया। इस बदले का सूरत हीरा मोती डायमंड ग्रेनाइट ग्रेफाइट सबसे महंगा भाई। दोनों के गाने में कितना दर्द है यार। दुनिया दीवार बन के भी रोकेगी तो भी इनका प्यार नहीं रुकेगा। गिटार को रखा साइड में, अब यार लड़के का देखो इमोशंस बहुत मैटर करता है क्योंकि वो रो रहा है, क्राइंग, ही इज क्राइंग, लड़की के लिए क्राइंग। दोनों मिलके ऐसे आपस में पास आए, अब दोनों क्या करेंगे? आई लाइक, ये क्या कर दिया? नहीं नहीं यहाँ तक तो बात ही नहीं थी। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, आगे देखते किसका बैंड बजाना है, कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट कर देना। अभी के लिए बाय बाय।